अबे टकलो, देख के नहीं चल सकता क्या? चलने हो देखने का बात तो बाद में। क्या बोला आपने, टकला? अबे हाँ, टकले को टकलू नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? देखिए लजमान, बात मत कीजिए, नहीं तो उठा के पटक दूंगा, खरबूजा तरह फट जाएगा। सर पर इतना लहराता हुआ बाल है, बोल रहे टकला। तो बोलता है कि माथे के ऊपर लहराता हुआ बाल है। हाँ है। इतने का तू टकला नहीं है? नहीं हूँ। नहीं है? नहीं हूँ। अबे ए मामा, भगवान ने तुमको दो दो हाथ दिया है, उसमें से एक उठा के माथे का घुमा दे, पता चलेगा बाल है कि नहीं। अरे तो तुम्हारे कहने पर हम सर पर हाथ लगाए? नहीं लगाएंगे, बोलिए तुमको का टेंशन है, बोलिए। अरे मालपानी सेठ की बात मान जाओ और हाथ लगा ले। अरे यार हमारे हाथ है, हमारा सर, हम नहीं लगाएंगे, बोलिए हमारी मर्जी। और हम हाथ लगाओ ना। हमारा इतना बड़ा अपमान, खुले सड़क पर हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम केस करेंगे, हम मानहानि का दावा करेंगे, हम अदालत जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको अदालत में देख लेंगे मालपाने, अदालत में। वकील साहब। कौन है? नमस्ते। हाजिर आए से। वकील साहब हमको ना, हमको तुरंत अभी मानहानि का दावा करना है। मानहानि का दावा किस पे? मालपानी पर। ओ, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मालपानी। काहे का मिस्टर, एकदम लुच्चा है, लफंगा है, बदतमीज है वो। हमारे सर पर बाल होते हुए हमको टकला कहा, भला देखिए हम टकले हैं का? हमारे सर पर इतने बड़े बड़े बाल हैं, आप बता बताइए है कि नहीं? ओहो हाँ हाँ, काफी बड़े हैं और खड़े हैं। वही तो, उसने सरेआम सड़क पर हमको टकला कहकर बेइज्जत किया। आप अभी अभी दावा ठोकिए उस पर। हाँ, आपके केस के लिए तो मैं केस लड़ूंगा। मानहानि का क्या, आप जैसे क्लाइंट के लिए मैं मर्डर का केस लड़ूंगा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा? हम झूठ नहीं ना बोलते हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको अदालत में भी ऐसे ही कॉन्फिडेंटली सच बोलना होगा। कॉन्फिडेंटली? इसमें कॉन्फिडेंटली क्या बात है, ये तो हमारा स्टाइल ही है। अरे वेरी गुड, आज मुझे मन लायक क्लाइंट मिला। और देखो मिस्टर माल पानी का, कैसे मैं माल और पानी निकालता हूँ, पूरे 10 लाख का दावा करूंगा। 10 लाख? क्यों, कम पड़ गए? 10 लाख मिलेगा हमको। थप्पड़। हाँ। बंद करो सपना देखना, तुम्हारे सपने से लोग बोर हो गए। तुम्हारा भाई सपना देखता था तो क्या मतलब तुम भी सपना देखोगे? तुम्हारा भाई था, तुम हो, खबरदार जो सपना देखा। सोचो 10 लाख की, सोचो 10 लाख की। 10 लाख नहीं, 5 लाख। सिर्फ 5 लाख, आधा कैसे हो गया? वो ऐसा हो गया कि तुम मेरी फीस तो दे नहीं सकते। हाँ। इसलिए मेरी फीस होगी तुम्हारे मुआवजे की 50%, यानी 5 लाख। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा वकील साहब, हमको 5 लाख तो मिलेगा ना? हाँ, बेशक, कोई शक नहीं। 5 लाख अपनी अम्मा को भेज देंगे। दिमाग ठंडा हो गया सुनकर 5 लाख। मेरा बाल नहीं मिल रहा है, एकदम घुटिया खाप लग रहा है वकील साहब। सर तो उस जमीन की तरह लग रहा है जिस पर चोर लोग धान काट कर ले गए, एकदम ऊसर, एकदम बंजर रहा। हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम लूट गए। ए वकील साहब जरा शीशा दिखाइए। ओ खबरदार, तो शीशा देखा तो है? तेरे बाल तेरे सर पे है, लंबे है, सुंदर है, पर छूने से तो लगते ही नहीं। छूते क्यों, मेरे पे भरोसा रखो, तुम्हारे बाल तुम्हारे सर पे थे हैं और रहेंगे, समझ गए ना? 5 लाख। 5 लाख समझ गया, समझने में ही भलाई है। हाँ, तो मेरे बालों की भलाई है। 5 लाख। सर, मिस्टर नौरंगी, क्या सच में मिस्टर मालपानी ने आपको टकला कहा था? ये देखा, सारी रामायण खत्म हो गई, पूछिए सीता जी कौन थी, अब हम क्या बोले, नो कमेंट। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि आप उस समय सचमुच टकले थे, क्या ये सच है? फिर वही 3-5 भाई, नो कमेंट। आप ये केस क्या रुपए ऐठने के लिए कर रहे हैं? हे भगवान, हे राम, अरे इतना सुंदर मुंह, इतनी बुरी बात, राम राम, नो 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 कमेंट। मिस्टर नौरंगी, आप हर बात में नो कमेंट क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अभी बिल्कुल गोटिना सवाल पूछा है आपने, चलिए अब इसका जवाब हम जरूर देंगे आपको। उसका जवाब ये है कि हम अंदर से थके हारे बाहर निकले हैं, अब आप यहाँ बाहर दिन भर से थकी हारी खड़ी हैं, तो ऐसी थकी हारी हालत में बातचीत करने में मजा नहीं ना आता है? अरे भाई, ये सब बात जो है आराम से शांत चित्त बैठ के होना चाहिए, बातचीत के लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, हैं? खाते पीते आप हमसे सवाल पूछे, हम आपको जवाब देंगे। तो आप सब अखबार वालों को डिनर पर लेके जा रहे हैं? कोई अखबार बखबार वाला नहीं। देखे बीच में टेंशन मत पैदा कीजिए, टंगिया मत मारिए, आपसे कौन बात कर रहा है बोलिए, हैं? टीट अपन ज्यादा मत कीजिए, सिर्फ आपको। एक मिनट है वकील साहब, 1000 रुपये दीजिए। तुम यार मेरे पैसे से डिनर पर लेके जाएगा उनको, और कहा मैंने तेरा केस हाथ में लिया है, कोई गोद नहीं लिया, 1 रुपया नहीं दूंगा। अरे कौन लेगा? अरे हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं जो हमको देंगे।
अब देखिए ना, रह रहा हूँ आपके घर में, खा रहा हूँ आपके घर में, तो डिनर खर्चा कौन देगा? आप ही ना देंगे, कोई देगा ना देगा हमको? देखो नारंगी, अरे हम लड़की देखें या आपको देखें, ऐसी लड़की हम जिंदगी में देखे नहीं है ना, तो डिनर उसके साथ करें या आपके साथ बैठ भुजना फाकें? अरे वो 50-50 है ना महाराज, जो कौन सा 50-50? अरे 5 लाख है ना हमारा, अरे ये खर्चा बर्चा उसमें काट लीजिएगा महाराज, दीजिए ना, देरी हो रही है। यार तेरा अकाउंट भी संभालना पड़ेगा। अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हम तो सिर्फ अच्छा इनको संभालेंगे। क्यों? चलिए ना, कोई कोई बात नहीं है, वकील साहब से बात।